मॉर्निंग यू गाइस, सो इट इज़ 4 AM. आई जस्ट वोक अप. आज हमने सोचा महादेव के दर्शन करने के लिए, सो लेट अस गो गेट रेडी और चलते हैं मेरे रूममेट्स के जा रहे हैं. सो दिस इज़ वॉइस ओवर मी टेकिंग ओवर. सो ये मैंने रेड कलर का आउटफिट निकाला है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था. सो दिस इज़ रेड कुर्ता, रेड पैंट एंड रेड दुपट्टा. तो मेरी रूममेट नहा रही थी तो मैंने सोचा पहले मैं अपने बाल बना लेती हूँ क्योंकि मुझे अपने बाल बनाने में बहुत टाइम लगता है. और दिस इज़ माई आउटफिट. मैं रेडी हो गई हूँ एंड आई गॉट रेडी सबसे पहले. उसके बाद दिस जब तक बाकी लोग तैयार हो रहे थे मैंने आपको अपनी आउटफिट दिखा दी और थोड़ी स्टाइल भी मार ली. और एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग. और फिर हम निकल गए, सब रेडी थे. फिर हॉस्टल का गेट खुलवाया हमने आंटी से एंड देन वी वेंट आउट. उसके बाद चलना चलना एंड और चलना. ये है अराउंड 5 AM. सो लेट अस गो, हम साथ में चल के दर्शन करते हैं, चलिए. एंड एक ई रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिली एंड वी स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स द मंदिर. और रास्ते में इतना अच्छा लग रहा था, हम भजन सुनते सुनते जा रहे थे. और फिर हम पहुंच गए मंदिर और हमने थोड़ा चढ़ाने का सामान लिया और फिर चले चलते हैं दर्शन करने. फिर थोड़े थोड़े चलना और चलना और चलना. और यहाँ पे हमने अपने चप्पल खोले एंड देन आप भीड़ देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यू गाइस, आई कांट इवन टेल. वो तो हम 5:30 के अराउंड गए थे तो इतनी भीड़ थी, वरना इतने लोग आते जा रहे थे. आप जस्ट लाइन देखो एंड लेडीज़ की लाइन आगे बढ़ी नहीं रही थी. मी आस्किंग माई रूममेट्स कि उनको लाइन में लग के कैसा लग रहा है 1 घंटे से. तो उन्होंने कहा जैसा आपको लग रहा है. वाह, व्हाट एन आंसर. तो यहाँ मैं आप सबको दर्शन करवा देती हूँ क्योंकि अंदर जाके बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाऊँगी. तो महादेव की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ रहें एंड ऑल माय गुड विशेस फॉर यू टू. और अभी तक हम लोग लाइन में लगे हैं. 1 घंटे के ऊपर लाइन में लगने के बाद हम मंदिर के अंदर गए. दिस इज़ हाउ द लाइन लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड, ओके. और ये मंदिर मैं पहली बार गई थी. ये प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर है. सो गेटिंग इंटर्ड इनटू द मंदिर. और आप फ़ोटो से दर्शन कर लो. सॉरी मैं वीडियो नहीं क्लिक कर पाई बिकॉज बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी एंड देन दर्शन हो गए. इतना ज़्यादा अच्छा लगा. और फिर हमने चंदन का टीका लगवाया. और आपने ये वीडियो देखी होगी, मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है. एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था सर पे, एकदम ठंडा ठंडा. और फिर हम आए मंदिर के बाहर और यहाँ रास्ते में एक हनुमान जी का भी मंदिर था, हमने उधर दर्शन करी. एंड लुक एट द व्यू, इतना सुंदर व्यू था. ये कैंटोनमेंट एरिया है इलाहाबाद का, उसके अंदर ही मंदिर है. एंड देन हम निकल गए अपने घर के लिए हॉस्टल के लिए क्योंकि फिर मेरा कॉलेज भी था और अराउंड 7:30 हो चुके थे. 9 से मेरा कॉलेज था एंड सिविल लाइंस पे मेरा हॉस्टल है. सो यहाँ पे ये मंदिर आप सब जानते होंगे, बहुत ही फेमस मंदिर है हनुमान निकेतन. और ये एक मूवी में भी आपने देखा होगा. और यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा शांति मिलती है. और भीड़ देखिए आप, यहाँ पे भी इवन रिपोर्टर्स आए हुए थे शूट करने, इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सावन का सोमवार था. और आई 2 मिनट लेटी, टिफ़िन पैक करा, नाश्ता करा एंड आई गॉट ऑल रेडी टू गो टू कॉलेज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था और बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं मिला. और मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी, आई एम टेलिंग यू गाइस. फिर चलना 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 एंड वी रीच्ड कॉलेज. और कॉलेज में देखिए ये मेरे दोस्त मेरे साथ क्या क्या करते हैं, हाथ पे. फिर दिस वॉज द लास्ट क्लास और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी मैं. और मैम बोले ही जा रही थी. सो मैं लिखे ही जा रही थी एंड द एग्जॉस्टन कंटिन्यूड. उसके बाद अपनी शक्ल से देख रहे होंगे. और फिर हुई हमारी क्लास ख़त्म, 1 घंटे से ज़्यादा की लास्ट क्लास चली. और आई वॉकड टू द हॉस्टल और ये रास्ते में नर्सरी पड़ती है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है. और हॉस्टल का तो आप जानते ही हो. फिर मेरा रूटीन, सो इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.